सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल की वादी सेंगूर में आजकल एक मादा भेड़िए के चच्चे हैं जो रोजाना रात को गोल नेशनल पार्क के करीब वाकई एक होटल में आती है और वहां चंद घंटे इंसानों के साथ गुजारने के बाद वापस जंगल में चली जाती है। इस अरसे में वो एक होटल के मालिक शहजादा सिराजुल मुल्क, उनके नवासों और नवासियों के अलावा उनके पालतू कुत्ते से भी खेलती है। इस मुलाकात के ऐनी शाहिद चित्राल के मुकामी सहाफ़ी गुल हम्माद फारूकी ने बीबीसी को बताया कि जब मैंने उस भेड़िए के बारे में सुना तो यकीन ना आया, मगर जब शहजादा सिराजुल मुल्क से राबता कायम किया तो उन्होंने कहा कि खुद आकर अपनी आंखों से देख लो। फारूकी के मुताबिक उन्होंने होटल में जो मनाजिर देखे वो नाकाबिले यकीन थे। रात का अंधेरा छाया तो एक मादा भेड़िया होटल में दाखिल हुई जहाँ उसका इस्तकबाल सिराजुल मुल्क के कीमती पालतू कुत्ते ने किया। इस दौरान वो खुद भी वहाँ पहुँच गए तो मादा भेड़िया उसके पाँव में लोटपोट होने लगी और फिर उनके नवासे नवासियों के साथ खेलती रही। वो वहाँ कोई दो घंटे तक मौजूद रही। मैं होटल के अंदर छुपकर ये सारे मनाजिर देख रहा था। इसी दौरान कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन करना चाही तो वो फौरन ही वहाँ से भाग निकली। गुल हम्माद फारूकी के मुताबिक शहजादा सिराजुल मुल्क का कहना है कि ये मादा तकरीबन दो माह से उनके पास आ रही है। उनके मुताबिक वो हमारे घर के हर फर्द और पालतू कुत्ते से मानूस है। सिराजुल मुल्क का कहना था कि तकरीबन चार माह कबल ये मादा भेड़िया, जिसकी उम्र इस वक्त अंदाजन चंद दिन थी, लागर हालत में करीबी जंगल से मिली थी और तलाश करने वाले इसे उन तक ले आए और उन्होंने इसकी देखभाल शुरू कर दी थी। गुल हम्माद फारूकी के मुताबिक शहजादा सिराजुल मुल्क ने इंटरनेट पर पढ़ा कि अगर भेड़िए के बच्चे को माँ का दूध दस्तियाब ना हो तो किसी हद तक बकरी का दूध उसका नेमुल बदल हो सकता है, जिस पर उन्होंने उस मादा भेड़िए को फीडर की मदद से बकरी का दूध पिलाना शुरू किया था और यूँ उसकी हालत किसी हद तक संभल गई थी। दो माह तक वो सिराजुल मुल्क के घर में उनके पालतू कुत्ते के हमराह परवरिश पाती रही और इस दौरान वह बैरून मुल्क से आने वाले उनके नवासे नवासियों से भी मानूस हो गई। फारूकी के मुताबिक तकरीबन दो माह बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन दो ही दिन बाद वो एक बार फिर उनके घर वापस आ गई। शहजादा सिराजुल मुल्क के मुताबिक उन्होंने इसे खाना दिया, जिसके बाद वो कुत्ते के साथ खेलने लगी और दो घंटे बाद चली गई और फिर दो माह से उसका रोजाना यही मामूल है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अनीसुर रहमान के मुताबिक मादा भेड़िए वाले मामले में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ गैर फितरी है। भेड़िए अपनी आबादगाहों में अपनी हदूद की निशानदेही करके रहते हैं और इस जगह किसी का दाखिला पसंद नहीं करते। इनका ये भी कहना है कि भेड़िया एक जंगली जानवर है जो दोस्ती जैसे रिश्ते अपनी नस्ल ही के साथ उस्तवार करता है। उनका कहना था कि आम हालात में अगर कोई कुत्ता किसी भेड़िए के सामने आ जाए तो वो इसे मार डाले, मगर गैर मामूली हालात में ये सब कुछ मुमकिन है। मस्कूरा मादा भेड़िए के रवैये के बारे में उनका कहना था कि इसके चंद असबाब हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि मस्कूरा भेड़िए ने अपना बचपन कभी भी जंगल में कुदरती आबादगाह में नहीं गुजारा, उसने कभी शिकार नहीं किया। उसे खाना इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिल जाता था और ऐन मुमकिन है कि उसे शिकार करना आता भी ना हो। कुदरती तौर पर भेड़िया तो जंगल में ही खुश होता है, इंसानों और दूसरी अनवा से रबते नहीं रखता। उनका कहना था कि भेड़िए जैसे जानवर की असल खुशी और ज़िंदगी का मुकाम जंगल और कुदरती आमादगा है और वह बज़ाहिर मजबूरी में भूख के हाथों से कुत्ते और इंसानों से रबता रखने पर मजबूर लगती है। गुल हम्माद फारूकी के मुताबिक शहजादा सिराजुल मुल्क इस जानवर के मुस्तकबिल के हवाले से मुतफक्किर है। वो कहते हैं कि इसने शिकार करना नहीं सीखा, इसके अलावा इंसानों और दीगर जानवरों से इसका खौफ कम हुआ है और खदशा है कि शायद इंसानों को इस भेड़िए से खतरा ना हो, मगर इंसान या कोई जानवर इसको किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनीसुर रहमान के मुताबिक इस मादा भेड़िए के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ समेत किसी के लिए भी कुछ करने के इम्कान बहुत ही कम है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको अब खुराक देने का सिलसिला कम किया जाए ताकि जब इसे भूख लगे तो शायद वो कोशिश करके अपने लिए शिकार करना सीख ले, या फिर वो किसी नर भेड़िए के साथ या इनके किसी गोल में चली जाए जहाँ पर इसका नर साथी इसका ख्याल रखे। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।